स्वागत है दोस्तों आप लोगों का विटोर क्लासेस में। अभी हम एसएससी जीडी 2018 की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके रिलेटेड कुछ मैथ्स के सवाल है वो हम सीखेंगे अभी। तो हमारा पहला सवाल ये है, एक व्यक्ति को 160 रुपए के 90 बॉल पेन बेचे जाए 20% की हानि हुई, 96 रुपए में कितने बॉल पेन बेचे जाए कि 20% का लाभ हो। सबसे पहले हमें यह निकालना पड़ेगा कि 90 बॉल पेनों का विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 160 रुपए। तो यहाँ से हमें निकालना होगा कि एक बॉल पेन का कितना दाम है। तो 90 का दाम अगर 60 रुपए है तो एक का विक्रय मूल्य कितना होगा, 160 बटा 90, ये हमने पहले निकाल लिया। ठीक है, अब हमारे पास दिया गया है कि हानि हमारा कितना है, 20%। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, हम मान लेंगे कि हमारा क्रय मूल्य x है, तो 20% हानि हो रहा है, मतलब 80% अगर क्रय मूल्य का हम निकालेंगे तो ये हमारा निकल हमारा इसके बराबर होगा। तो इसको 0-0 हम काट सकते हैं आराम से। तो x गुने 80 बटा 100 अगर हम लिखें बराबर 16 बटा 9 करें, तो यहाँ से हमारा x निकल जाएगा। x कितना हो जाएगा, 16 बटा 9 गुने 100 बटा 80, ये 100 नीचे है तो यहाँ जाके डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ का डिवाइड होगा, तो 0-0 फिट कट गया, ये 8 से 2 बार में कट जाएगा। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना आ गया, 20 बटा 9। ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य एक बॉल पेन का। ठीक है, और ये क्रय मूल्य हमारा हुआ। तो अब हमें मिल गया क्रय मूल्य कितना है। अब हमें निकालना है क्या है कि 96 रुपये में कितने पेन बेचे जा सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि वाई पेन बेचे जा सकते हैं। ठीक है, तो वाई पेन अगर बेचे जा सकते हैं तो हमें लाभ कितना करना है, हमारा क्रय मूल्य है 20 बटा 9, इस पर हमें लाभ करना है कितना, 20% का। तो मान लीजिए अगर वाई बॉल पेन हम खरीदते हैं 96 रुपये में, तो एक बेचते हैं तो एक का दाम कितना हो जाएगा, 96 बटा y। ठीक है, अब हमें इस पे ये जो हमारा है ये कितना है, इसका 120% एक तरीके से। ठीक है, तो इसे हमें निकालना होगा। हम लिख सकते हैं 20 बटा 9 बराबर 100 बटा 120 गुने 96 बटा y। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फिर इसको काटिए आप 0-0, ये 5 बार में जो कटेगा, 6 बार में, ये 6 से एक बार में, 16 बार में, फिर ये 5 से आपका कट गया 4 बार में, ये 4 से 4 बार में, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये y ऊपर चला गया, यहाँ से हो जाएगा 9 × 4। कितने कलम खरीद सकते हैं हम लोग, 36 कलम। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक विक्रेता के 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपए खर्च करता है, यदि वह 300 रुपए में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। सबसे पहले मैं निकालना पड़ेगा कुल खर्च कितने हुए, 225 और ये 15, 225 प्लस 15 कितना होता है, ऐड करेंगे हम तो 240। ठीक है, तो अब हमारा देखिए यहाँ पे 240 हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य यहाँ कितना बता दिया है, 300। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसको लाभ हो रहा है। तो लाभ उसको कितना हो रहा है, 300 माइनस 240, जितना हमें बेचा और जितने में खरीदा घटाएंगे तो आएगा 60 आ गया। तो हम लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ हमेशा या लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो 60 बटा क्रय मूल्य कितना हमारा, 240। तो 240 गुने 100, 60 से ये कटेगा 4 बार में, ये 100 कटा 25 बार में, तो कितना हो गया, 25%, कितना उसको लाभ हुआ। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आगे बोला गया है, 2 वर्षों पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी, मतलब 2 साल पहले अभी से एक परिवार की औसत आयु कितनी थी, 18 वर्ष। ठीक है, एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है, बच्चे की आयु कितनी होगी। सबसे पहले हम निकालेंगे कि 8 वर्ष पर
बरस पहले उनकी कुल उम्र कितनी थी? अगर 18 परिवारों की 18 वर्ष है, 8 सदस्यों की परिवारों की कुल उम्र 8 सदस्यों की कितना होगा? 18 गुने 8, ठीक है, ये हो गया आपका 18 गुने 8 कुल वर्ष। अब क्या बोला गया है, ये तो 2 साल पहले की उम्र है, अब 2 साल बाद हर की आयु 2 बार 2 साल बढ़ेगी, तो 8 सदस्य हैं, एक की आयु 2 बार बढ़ती, तो कुल आयु कितनी बढ़ेगी? 8 गुने 2, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला गया है कि एक बच्चा जन्म लिया है, तो बच्चे को जन्म लेते ही पहले कितने सदस्य? 8, अभी एक सदस्य और बढ़ गया, कितने सदस्य हो गए? 9, तो ये 9 हो गया। अब अभी भी इसका औसत कितना है? 18, तो बच्चे के होने के बाद इसका कुल उम्र कितना होगा? 18 गुने 9, और ये आपका था अभी का प्रेजेंट उम्र बिना बच्चे के। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट उम्र से अगर ये जो अभी का उम्र इसको घटा दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो आप घटाइए, 18 गुने 8 प्लस 8 गुने 2 माइनस 18 गुने 9। तो आप अगर यहाँ से लीजिएगा तो कितना आएगा, 8 गुने 2, ये तो 16 हो जाएगा, क्या 16, और यहाँ से आप अगर लीजिएगा सिंपल आएगा 18, ठीक है। ठीक है, तो इसका आयु कितना आएगा, ये -2 होगा बस। अब ये गलत क्यों आ रहा है हमें ये देखना है, गलत इससे आ रहा है क्योंकि हम लोग इससे इसको सब इसको इसके सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो जो बाद की आयु होगी वो तो ज़्यादा होगी, क्योंकि एक बच्चा बढ़ गया है, तो हमने पुराने आयु से नए आयु को घटा दिया है, तो इसलिए नेगेटिव में आ रहा है, मतलब बच्चे की वर्ष कितनी होगी, 2 साल। तो अगर ध्यान रखिए, अगर आप गलती से ऐसे क्वेश्चन में करते हैं तो नेगेटिव जब आ रहा है तो नेगेटिव क्यों आ रहा है समझने की कोशिश करिए, और आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि आयु कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। ये माइंड करिए, अगर आप एग्जाम में कभी भी नेगेटिव आयु अगर आपका आ जा रहा है, मतलब आपने क्वेश्चन गलत बना दिया है, उसे फिर से दोबारा करें, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 9 पूर्णांकों की औसत 11 आता है, ठीक है, मतलब 9 पूर्णांक संख्या है जिसके औसत कितना थे, 11, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूल्यांक 23 को 32 लिखा गया था। 23 को कितना लिख दिया गया था, 32। उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा? तो सबसे पहले 9 पूर्णांक संख्या का औसत अगर 11 आ रहा है तो कुल उनका जोड़ कितना होगा, 11 गुणे 9। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या था कि 32 लिख दिया गया था, तो अगर इसमें से हम 32 घटा देंगे तो एक जो गलत संख्या वो चली जाएगी, मतलब 8 संख्या बच गई, लेकिन 32 हम लोग घटा दी तो 32 सिर्फ घटा है। अब जो सही संख्या उसको तो जोड़ना पड़ेगा हमें, सही संख्या कितना जोड़ेंगे तो आएगा 23, तो कुल कितना आ गया 90, तो 90 अब आ गया इसका जो सही जोड़ है वो, ठीक है। अब हमारे को पता क्या है कि टोटल जो सम होता है, जो टोटल जोड़ के आता है योगफल, उसको अगर हम कुल नंबर से घटा दें तो हमारा औसत निकल जाता है, तो 90 कुल नंबर कितने हैं, 9, तो 90/9 करेंगे तो कितना औसत आएगा, 10 हमारा आंसर। अगला सवाल हम देखेंगे, इस सवाल में है 165, ये पॉइंट है यहाँ पे 0.25, 0.0081 माइनस 061। दोस्तों अगर आपको डायरेक्टली पॉइंट का नहीं आता है तो आप क्या करें, हमेशा बटा में तोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो 100, अब यहाँ बटा में कैसे लाएंगे, पॉइंट की जगह तो 1 लिख दी हम लोग, और पॉइंट कितने नंबर, एक नंबर दो नंबर 25, 20। इसी तरह यहाँ पे लिखिए आप 81 डिवाइड बाई कितने पॉइंट रहते, कितने 0, 4, 1 और 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे आएगा क्या 361 का कितना 0 आएगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो अब इन सब का हमें रूट निकालना है, तो रूट निकालिए सबका, तो ये कितना आएगा हमारा, एक है इसकी आएगा 125 का रूट, 100 का रूट कितना होता है 10, 881 का रूट 9, और यहाँ पे 3 का रूट कितना होता है 100, इसी तरह 361 का रूट कितना होता है 19, और 1000 का रूट कितना होता है 100। अब इसको फिर आप पॉइंट में चेंज कर लीजिए, जाएगा आपका 12.5, यहाँ पे एक ही नंबर, एक ही जीरो है तो पॉइंट का सिर्फ एक ही नंबर होगा, प्लस
0.09 और ये आ जाएगा 0.19। बस इन तीनों को अगर आप जोड़िएगा तो आपका सम आ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12.4। और यहाँ पे घटाव का साइन था इसीलिए हमने गलती की यहाँ पे, तो सब्सट्रैक्शन घटाइएगा तो आएगा 0.12.4 आपका आंसर आएगा, यही हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको SSC GD में मिलेंगे दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जरूर से जरूर बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आपको हर वीडियो टाइम पे मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।